हेलो एवरीवन, मैं सचमुच संधु आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट थ्री हमारी ट्रिप का। ऑर्चर्ड लेक पे बोटिंग करने के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं शिलोंग सिटी में प्रॉपरली। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम शिलोंग को बिल्कुल वेरिफिकेशन से घूमेंगे और आपको हर चीज़ डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि शिलोंग एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे मतलब कि पहाड़ बहुत ज़्यादा होंगे और पहाड़ों को काट के ही रोड्स बनाई गई थी। और अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा था और इसीलिए हमें कई जगहों पे पंडाल भी देखने को मिले और रश भी देखने को मिला, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में दुर्गा पूजा को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है इसीलिए। और जब हम जा रहे थे अपने वे पे तो हमें राइनो हेजिटेट म्यूज़ियम भी दिखा, जिसमें कि हम जा नहीं पाए क्योंकि वो क्लोज था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसके लिए वेट करें। सो हम अपने वे पे कंटिन्यू रहे और इतने लंबे ट्रैक के बाद हम सभी लगभग थक चुके थे और हमें बस नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी नज़ारों को देखते हुए हम अपने रास्ते पे कंटिन्यू थे। और फिर हम पहुँचे कैथोलिक चर्च, जो कि ईस्ट इंडिया का बहुत ही बड़ा चर्च है। और यहाँ पे हम उस टाइम पहुँचे थे जब यहाँ मास चल रही थी, यानी कि प्रेयर। और अब हम एंटर कर रहे हैं कैथोलिक चर्च में। यह चर्च ईस्ट इंडिया की बहुत बड़ी चर्च मानी जाती है, जो कि प्रॉपर शिलोंग में है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर कितना अच्छा पेड़ों का व्यू आ रहा है और क्लाउड्स का भी। तो अब हम चल रहे हैं सीढ़ियों पे ताकि हम कैथोलिक चर्च के अंदर जा सकें। और यहाँ पे बहुत सारी अनगिनत सीढ़ियाँ थी जिन्हें चढ़ते चढ़ते हम तो बिल्कुल थक ही गए थे। और यहाँ पे फिर भी हम मेहनत करके सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे के लेकिन हम चर्च के अंदर नहीं जा सके क्योंकि मास का टाइम चल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोलिक चर्च की मास का टाइमिंग, या आपको विंटर समर और संडे का पूरा भी मास का टाइमिंग बताया गया है। और यहाँ ऊपर से जब हम नीचे कैथोलिक चर्च को देखते हैं तो यह बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब हम कह सकते हैं दृश्य होता है हमारे लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चर्च है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन खड़ा था बोर्ड लेके जहाँ पे लिखा था मास इज इन प्रोग्रेस एंड नो विजिटर कैन विजिट। कैथोलिक चर्च का बाहर से ही मतलब कि घूम के पिक्स वगैरह खींच के वापस आ गए थे क्योंकि अभी हम मास चल रही थी तो हम अंदर नहीं जा सकते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे सुंदर डेकोरेटिव तरीके से फ्लावर्स को रखा हुआ है। और यहाँ बीच में देख सकते हैं आप कितना अच्छी तरह से पूरा डेकोरेटिव बनाया गया है। एक चर्च का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को। तो अगर आप कभी भी दिसंबर में कैथोलिक चर्च आएँ तो दिसंबर का इवेंट ज़रूर देख के जाइएगा। और यहाँ से अब हम कर रहे हैं अपनी वापसी नीचे की तरफ। ये हम अपने वे पे कंटिन्यू हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने डेकोरेटिव पहाड़ वगैरह हमें दिख रहे हैं। और कुछ ही देर बाद हमें गवर्नर हाउस के थोड़ा सा साइड में हमें एक सिख सेंटर श्री गुरु सिंह सभा का एक गुरुद्वारा दिखता है शिलोंग में, प्रॉपर शिलोंग में। और हमने सोचा
चलो इतने दिनों बाद कोई गुरुद्वारा देखने को मिला है तो दर्शन करके चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं बाहर से गुरुद्वारा का व्यू। अपने अपने सिर पे चुन्नी या फिर रुमाल वगैरह बांधा और अपने हाथ में पैसे लिए ताकि हम आगे डाल सकें। और ये देख सकते हैं आप गुरुद्वारा कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है। चलिए अब हम चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। यहाँ पे जूते उतारने के बाद हमें एक पानी का सोर्स मिला, वहाँ पे हमने अपने हाथ धोए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा और डेकोरेटिव और क्लीन और ग्रीन सराउंडिंग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दाल, आटा, शुगर और राइस के अलग अलग बॉक्स आपको दिखेंगे, जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट भी दे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो सेवादार होते हैं उन्हें भी कन्फ्यूजन नहीं होती लेने और देने में। और यहाँ पे आपको बाहरी कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का बोर्ड देखेगा, जहाँ से आप अपनी देग ले सकते हैं यानी प्रसाद ले सकते हैं। अब हम हैं अपने मेन गुरुद्वारा साहिब के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सीरियल वाइज हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल के बारे में बिल्कुल सील वाइज बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू स्टार जो हुआ था एक, उसके बारे में भी यहाँ पे क्लियर बताया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से थोड़ा बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं। अभी हम प्रसाद ले रहे हैं जहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया था कड़ा प्रसाद का, वहीं से। और यहाँ पे हमें क्यूट सा व्यू मिला और आज इन्हीं के घर हमें इनके गेस्ट हाउस में आज हमें स्टे करना है। ये देखिए जहाँ पे हमने स्टे किया था बिल्कुल ब्यूटीफुल डेकोरेटिव। और आप बाहर से इतना डेकोरेटिव लग रहा है तो अंदर से तो और भी ज़्यादा डेकोरेटिव और बिल्कुल ही प्यारा सा था ये घर। और आज के लिए बस इतना ही, हम चलेंगे कल चेरापूंजी। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।